नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिजीत वाहेगावकर है। पिछले कुछ वीडियोस में आपने हैंड सर्जरी और कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी सुनी होगी, देखी होगी। आज मुझे एक और जानकारी आपसे शेयर करनी है और वो है आर्थराइटिस। आप लोगों ने घुटने के या तो फिर हिप के आर्थराइटिस के बारे में ज़रूर सुना होगा। कोई ना कोई आपकी जानकारी में ज़रूर होगा जिसको कृत्रिम प्रत्यारोपण, हम जिसे कहते हैं, जॉइंट का, वो किया होगा। या तो आपने कहीं पढ़ा होगा कि जोड़ों का हम प्रत्यारोपण कर सकते हैं और ये आर्थराइटिस इस कंडीशन में किया जाता है। जिस प्रकार से घुटने का या तो हिप जॉइंट का या तो कंधे का आर्थराइटिस होता है, उसी प्रकार से कोहनी का, कलाई का और हाथ का भी आर्थराइटिस कई लोगों में काफ़ी प्रमाण में पाया जाता है। परंतु इस आर्थराइटिस के बारे में दुर्भाग्यवश जानकारी बहुत कम है। आज हम चलिए इस आर्थराइटिस के बारे में कुछ बातें करें और इसको समझने का प्रयास करें। आर्थराइटिस इस शब्द का जो अर्थ है वो आर्थ्रोस यानी जोड़ और आइटिस यानी स्वेलिंग, ये लैटिन शब्द है जिनके मिलाप से, जिनके मेल से आर्थराइटिस ये शब्द बनता है। किसी भी जोड़ में किसी भी कारण सूजन जब आ जाती है, या तो जोड़ की सतह जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, जब वो घिस जाता है या उसमें हम बदलाव देखते हैं, इसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। और इसके कई कारण हैं। वो उम्र के लिहाज से हो सकता है, वो किसी चोट आने की वजह से हो सकता है, जोड़ में अगर पीप हो जाए, इन्फेक्शन हम जिसे कहते हैं, जिससे अगर उस कार्टिलेज को डैमेज हो जाए तो आर्थराइटिस हो सकता है। या तो फिर कोई आप मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हम जिसे कहते हैं, जैसे कैल्शियम की कमी हो, उससे भी ये हो सकता है। तो ऐसे कई कारण हैं। और सबसे जो एक कारण जो हम कई प्रमाण में देखते हैं वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें हमारे शरीर में ही हमारे शरीर के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाते हैं और जिसकी वजह से जोड़ों के आवरण में सूजन आ जाती है और फिर कार्टिलेज का डैमेज हो जाता है। इसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं और इसके बारे में विस्तार में हम आने वाले कुछ एपिसोड में बात करेंगे। आज हम सिर्फ हाथ के आर्थराइटिस के बारे में एक जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो हाथ का आर्थराइटिस जो है वो या तो अंगूठे के जोड़ में, कलाई में या तो उंगलियों में हो सकता है। और इस आर्थराइटिस के लक्षण जो हैं वो होते हैं दर्द, हलचल कम होना, यानी आपको मुट्ठी बांधने में, किसी चीज़ पकड़ने में परेशानी महसूस होना, आपकी कलाई में, उंगलियों में या तो अंगूठे में सूजन महसूस होना या सूजन नज़र आना, या तो कई बार हम देखते हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा एक चमड़ी में लाल प्रकार के चेंजेस आ जाते हैं। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये शायद आर्थराइटिस के लक्षण होते हैं। और अगर आपको इस प्रकार से कोई भी लक्षण आपको नज़र आए या महसूस हो, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप किसी अस्पताल में कोई हैंड सर्जन स्पेशलिस्ट से आप मुलाकात करें और इसका आप निवारण करें, जानकारी प्राप्त करें और आपके लिए सबसे उचित इलाज उस समस्या के लिए जो भी है वो आपके हैंड सर्जन से आप जान लें। सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे में अगर कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी आप इस समस्या के लिए इलाज या निवारण के बारे में जानना चाहते हैं, तो हाँ, हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमें आनंद होगा, आपकी सेवा में हम यहाँ पे तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, आनंदी रहें, सुरक्षित रहें, यही अनुरोध और कामना है। धन्यवाद। नमस्कार।